तो अब अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, हमने ये तो अभी रिलेशंस में भी समझा और इस कुछ पहली क्लासेस में भी समझा था कि डोमेन जो होता है ऑल वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक, ऑल वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक इज मेरा डोमेन, और रेंज होता है कि फॉर दैट वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स वैल्यूज दैट वाई कैन टेक। ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश स्टेटमेंट है बट इसको बहुत ही अच्छे से बाय हार्ट करो, क्योंकि अगर ये दो लाइन क्लियर हो गई तो डोमेन रेंज में कभी डाउट नहीं होगा। और इसमें कुछ बाइन्यूट चीजें हैं जो आप समझो। पहली चीज हमने कहा डोमेन इज ऑल वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। अगर मुझे मान लो कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+2 और मुझे कहा जाए इस फंक्शन की डोमेन बताओ, ठीक है, पहले अपन डोमेन सीखते हैं फिर रेंज पे आएंगे। हाउएवर सेकेंड स्टेटमेंट भी आप समझ लो, रेंज में हम बोल रहे हैं कि फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज दैट वाई कैन टेक इज माई रेंज। फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज दैट वाई कैन टेक इज माई रेंज। अब हमने पहला एग्जाम्पल लिया और बोला एक्स है 1/x+2। अब आप मुझे बताइए नहीं कि इस फंक्शन के लिए, अब आप हमें बताइए कि इस फंक्शन के लिए एक्स की कोई भी वैल्यू लो चलेगा, एक्स तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, राइट? 1 रखो, 100 रखो, 2 रखो, 4 रखो, 0 रखो, -10 रखो, हर एक वैल्यू चलेगी। बट जब वो वैल्यू नहीं चलेगी जब x+2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब x+2 जीरो हो जाएगा तो मेरा ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, राइट? तो हम वो वाली वैल्यू नहीं ले सकते एक्स की जिस पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, बाकी कोई भी वैल्यू रखो चलेगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। 1/x+2 फंक्शन है तो डोमेन में मैं बोल सकता हूं कि एक्स जो है बिलोंग्स टू आर, एनी रियल वैल्यू, आर का आपको मतलब पता है रियल वैल्यू होता है, तो इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। हाउएवर बट कभी अगर x+2 जीरो हो गया तो वो नहीं हो सकता, वो कब हो सकता है जब x इज इक्वल टू -2 हो, तो सारी रियल वैल्यू चलेगी बट -2 वैल्यू नहीं चलेगी। इसीलिए हम फिर डोमेन में क्या बोलेंगे, हम कहेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर r माइनस एक सेट विच इज -2। अगर रियल नंबर में से -2 हटा दो तो जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है दैट वी विल गेट विच विल बी एसेंशियली ऑल द रियल नंबर्स माइनस दैट -2 वैल्यू विच इट कैन नॉट टेक, बिकॉज एट दैट वैल्यू डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और एनीथिंग बाय डिनोमिनेटर अगर जीरो हो तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, दैट मीन्स दैट फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सेट ऑफ रूल्स है वो अगर अपन अप्लाई करेंगे तो कभी भी कोई इश्यू नहीं होगा डोमेन रेंज निकालने में। अभी हम सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन पे स्टिक करेंगे। मैंने आपको पहला रूल दिया कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है इन एक्स, इफ वी गेट अ फंक्शन एफ एक्स इन डिनोमिनेटर, तो आप एफ एक्स को इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है, और जो डोमेन तुम्हारी आ जाएगी वो हो जाएगी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जो भी वैल्यूज पे ये जीरो हो रहा हो, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो जो भी वैल्यूज पे, उन वैल्यूज को, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप हटा देना। तो हमने यहाँ पे आपको बोला अभी क्या होता है इसका मतलब मैं बताता हूँ। हमने बोला अगर कभी भी एफ एक्स मतलब एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहे हैं अभी, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है चलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर अगर जीरो भी होगा तो चलेगा। हम बोल रहे हैं इफ वी गेट अ फंक्शन इन डिनोमिनेटर पुट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, और डोमेन विल बिकम एक्स माइनस सीपी विच इज क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम सीपी से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो मतलब है वो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाता हूँ कि हमें नीचे फंक्शन एक मिल रहा था एक्स में, हमने उस फंक्शन को इक्वल टू जीरो करा, एक्स इज इक्वल टू -2 निकाला विच इज माई क्रिटिकल पॉइंट, और डोमेन लिख दी
x belongs to real number minus critical point which is minus 2. अब इसमें देखो, मैंने कहा न्यूमरेटर में कुछ भी हो चलेगा, न्यूमरेटर में 1 हो, 2 हो, 100 हो, 0 हो, अगर x को मैं 1 लूं तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, बट 0 by anything is a function, तो कोई इशू नहीं है. तो सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, न्यूमरेटर में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके कुछ नहीं होगा, बिकॉज x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा ये 0 by minus 2 हो जाएगा विच इज 0, तो फंक्शन तो डिफाइंड ही है ना. हमें वो वैल्यू ढूंढनी है, तो डोमेन में वो वैल्यू आ जाएगी x की. हमें वो सारी वैल्यू ढूंढनी है जो x की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो वैल्यू मैं एक्सक्लूड करूंगा तभी तो डोमेन आएगी ना. डोमेन इज ऑल द वैल्यूज दैट x कैन टेक, सो आई हैव टू एक्सक्लूड ऑल द वैल्यूज दैट x कैन नॉट टेक. अब जैसे मैं यहां वाली बात कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करूंगा और बोलूंगा अच्छा x इज इक्वल टू 3 जो है वो नहीं हो सकता, तो मेरी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 3, क्योंकि ये वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकता है. अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम इसको अपना सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे दो फैक्टर आ जाएंगे. सीधा देख के अपन नहीं समझ पा रहे, बट अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो मेरे पास आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, राइट. तो अब मेरी डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर माइनस यहाँ के जो दो फैक्टर आए 2 और 1, वो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 0 इनटू एनीथिंग इज 0, एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो 1 नहीं हो सकता. ऐसे ही 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पे ये 0 हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. सो डोमेन इन दिस केस विल बिकम दिस. अब आप लोग नेक्स्ट वाला करो खुद से. लेट्स थिंक अबाउट द सिनेरियोस वेयर द फंक्शंस बिकम्स नॉट डिफाइंड. तो पहला सिनेरियो तो है जब अगर फंक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आई विल एक्सक्लूड ऑल दोस पॉसिबिलिटीज जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दैट वाज रूल 1. रूल 2 इज कि कभी भी रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी हमने सीखा है. अगर मानो x माइनस 3 है रूट के अंदर, तो इसके अंदर x वो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता जिसपे रूट में नेगेटिव आ जाए, बिकॉज रूट में अगर नेगेटिव होता है तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो वो फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, राइट. तो अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपन बोलेंगे कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा 3 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट मींस x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अगर न्यूमरेटर में है तो 3 डाल दो 0 हो जाएगा चलेगा, बट अगर डिनोमिनेटर में हो, मतलब अगर क्वेश्चन ये होता तो हम कहते हैं x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी और 3 इंक्लूडेड, बट अगर क्वेश्चन ये होता तो हम डोमेन में बोलते कि जो x है बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, x का 3 को एक्सक्लूड कर देते, क्योंकि 3 पे तो 0 हो रहा है, रूट ऑफ 0 इज 0 और 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. तो मैं उस केस में इसको x माइनस 3 को अगर डिनोमिनेटर में है तो कहता है x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, और अगर न्यूमरेटर में है तो मैं कहता हूं x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो रूल 2 सेज कि इफ यू गेट अ रूट देन द वैल्यू ऑफ इनसाइड द रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ इट इज इन न्यूमरेटर एंड ग्रेटर देन 0 इफ इट इज इन डिनोमिनेटर. फाइंड दोज वैल्यूज एंड दोज वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज विल बिकम योर डोमेन. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो, जो हमने रूल 2 लगेगा क्योंकि रूट है और रूट के अंदर कोई वैल्यू है, ये वैल्यू जो है हैज टू ऑलवेज बी ईदर ग्रेटर देन और बी इक्वल टू 0. तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू जो निकल के आएगी उसमें वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब मैं कह सकता हूं कि डोमेन विल बी x बिलोंगिंग टू 2 टू इंफिनिटी. हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रखी है इसलिए हम ये बता सकते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में 2 टू इंफिनिटी आएगा पहले का आंसर. दूसरे वाले में देखो, हमें दिया हुआ है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. हमें क्या पता है कि जो मेरा 1 माइनस एक्स है ये चीज मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती, मतलब जो मेरा 1 माइनस एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इक्वल टू नहीं लेंगे, बिकॉज इक्वल टू लेते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, वो वैल्यू को हमें एक्सक्लूड करना है, इसलिए हम इक्वल टू वाला केस नहीं लेते.
अब इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स यू कैन से एक्स इज लेस देन वन। तो अब आपकी वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, अगर एक्स लेस देन वन हमने ले लिया तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन। तो यहाँ पे डोमेन मेरी हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से वन। ठीक है, आप डाल के भी देख लो, यहाँ पे मान लो जीरो लेते हैं हम, वन माइनस जीरो इज वन, चलेगा। हम माइनस वन ले लेते हैं तो वन माइनस ऑफ माइनस वन बिकम्स टू, वन बाय रूट टू इज अ फंक्शन, चलेगा। मान लो हम यहाँ पे इसको माइनस हंड्रेड ले लेते हैं तो वन माइनस ऑफ माइनस हंड्रेड बिकम्स प्लस हंड्रेड, चलेगा। बट अगर टू ले लेते हैं ग्रेटर देन वन तो वन माइनस टू बिकम्स नेगेटिव, रूट में नेगेटिव नहीं चलेगा, राइट? तो ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, फोर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है, रूट में है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को अब लीनियर इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ज्यादा अभी अगर लीनियर इनइक्वालिटी नहीं भी पड़ी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको एक रूल उसका बता देता हूँ, उससे बहुत इजिली निकल आएंगी चीजें। अब जैसे ये पहले वाले केस में हमने क्या देखा, इनइक्वालिटी इज सिमिलर टू लीनियर इक्वालिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन पे पूरा खेल होता है। पहले वाले केस में देखो हमने कैसे डिराइव करा, हमने बोला टू से बड़ा है वैल्यू ऑफ एक्स, टू से बड़ी कहां तक जा सकती है, इंफिनिटी तक। और क्योंकि इक्वल टू साइन है, दो साइन होते हैं, अगर ग्रेटर देन है तो हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, ग्रेटर देन है तो ये वाला राउंड ब्रैकेट, लेस देन है तो ये वाला राउंड ब्रैकेट, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, विच डिपिक्ट्स की वो वैल्यू इंक्लूडेड है, और लेस देन इक्वल टू है तो हम ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, विच मीन्स की वो वैल्यू इंक्लूडेड है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो टू से इंफिनिटी तक सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। ये होता है लीनियर इनइक्वालिटी की, मतलब टू से बड़ी सारी वैल्यूज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लीनियर इक्वेशन में हमने क्या देखा था, हम यही तो देखते थे कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इन इक्वेशन में भी वही हम करते हैं कि कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। हमें सारी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो दैट मीन्स टू टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने इनइक्वालिटी सिर्फ ग्रेटर देन की लगाई, इक्वल टू की नहीं लगाई, बिकॉज एट इक्वल टू जीरो दिस विल गेट नॉट डिफाइंड। कभी भी इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है तो आप क्या करो, माइनस कॉमन निकालो, एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो अगर इसका माइनस निकाल लूंगा कॉमन तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस को उस साइड अगर मुझे लेके जाना है तो साइन रिवर्स हो जाता है, तो एक्स प्लस वन विल बिकम लेस देन जीरो। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में यही फर्क है। हम लोग क्या करते थे, अगर एक्स इक्वल टू टू होता था और माइनस एक्स इक्वल टू टू है तो हम क्या कर देते थे, एक्स की वैल्यू बोल देते थे माइनस टू है, साइन को उस तरफ ले जाते थे और बोलते थे एक्स की वैल्यू है माइनस टू। ये इनइक्वालिटी में नहीं चलता। इनइक्वालिटी में अगर एक्स प्लस एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो या माइनस साइन है, माइनस साइन जब इधर जाएगा तो ये बीच का जो साइन है इनइक्वालिटी है वो पलट जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी। तो x माइनस वन विल बी लेस देन जीरो। नंबर लाइन बनाओ, इसका मतलब वन से कम है वैल्यू, वन से वैल्यू कम है टिल माइनस इंफिनिटी, सो आंसर विल बिकम माइनस इंफिनिटी टू वन। और क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट है, ये जो मैंने तुम्हें अभी समझाया। अब नेक्स्ट ट्रिक लीनियर इनइक्वालिटीज की क्या होती है, पहले तो यही लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसको पॉजिटिव बनाया, माइनस कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मींस एक्स माइनस फोर साइन अगर उधर लेके गए तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू हो गया ये इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप बनाओ माइनस टू और टू नंबर लाइन पे, और एक्सट्रीम राइट से प्लस फिर माइनस और फिर प्लस लगा दो। ये मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, लीनियर इनइक्वालिटीज में काफी डिटेल में समझाया था, वो भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो उससे। बट यहाँ पे मैं आपको एक क्विक ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे x प्लस टू एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो आप एक्सट्रीम राइट से, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है राइट, माइनस टू और टू आर क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस लगा दो। और अगर साइन लेस देन का, इनइक्वालिटी लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, तो वो वाला रीजन लो
जहां पे नेगेटिव साइन है, मतलब यहां पे मेरी डोमेन विल बिकम x बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू, ठीक है, क्योंकि मैं वो वाला रीजन ले रहा हूं जहां पे साइन नेगेटिव है। और मानो अगर ये साइन उल्टा होता फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा आंसर हो जाता डोमेन का x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू स्क्वायर ब्रैकेट, इंफिनिटी और माइनस माइनस इंफिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट लगता है, यूनियन टू टू इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट। अगर मान लो यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता तो मेरा आंसर ये होता, फॉर यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाला साइन है तो मेरा आंसर ये है। इस क्वेश्चन में बच्चों में दे रखा है फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस। पहले तो अपन डोमेन पे जाते हैं, डोमेन पे फोकस करते हैं। मैंने तुम्हें दो रूल बताया, रूल नंबर वन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, रूल नंबर टू रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे रूट का तो सवाल है नहीं, तो हम रूल नंबर वन पे स्विच करेंगे कि भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर जीरो होता होने तो, क्योंकि जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो विच इज स्टिल डिफाइंड फंक्शन, तो उसकी परवाह नहीं करनी न्यूमरेटर की, हमें बस डिनोमिनेटर की परवाह करनी है। तो जब हम डोमेन निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस हम कहेंगे 3 इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो मेरी डोमेन हो गई कि एक्स भाई सब रियल नंबर ले सकता है बट 3 नहीं ले सकता, तो मेरे डोमेन की वैल्यू हो गई आर माइनस 3, ठीक है। अब हम रेंज पे आते हैं, रेंज निकालना आपको सिखाते हैं। रेंज का फंडा देखो पहले समझ लो, अगर रेंज का ये फंडा समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन की रेंज निकाल पाओगे। रेंज निकालने के लिए हमेशा पहले फंक्शन को y मान लो और y को बोलो y इज इक्वल टू, इसको फंक्शन को y को लिखो y इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन 3 माइनस x। फिर अब x को y के टर्म्स में निकालना है, अभी हमने क्या लिया लेट y बी इक्वल टू दिस, अब हमें इसको ऐसे चेंज करना है कि x को हम y के टर्म्स में निकाल लें, दैट मींस मैं कह सकता हूं ये इसको इधर ले आओ 3y plus 2 is equal to x plus xy, और अब हम बोल सकते हैं 3y plus 2 is equal to x common ले लिया y plus 1, तो हम बोलेंगे 3y plus 2 by y plus 1 is equal to x। हमने क्या करा, हमने x को निकाल लिया y के फॉर्म में। अब जैसे ही ये कर लिया, अब डोमेन का ही लॉजिक लगाना है भाई। हमने आपको क्या समझाया था, हमने बोला था डोमेन होता है जो वैल्यूज एक्स ले सकता है, और हमने बताया था रेंज होता है जो वैल्यू वाई ले सकता है। अब अगर हमने एक्स को इस फंक्शन के फॉर्म में निकाल दिया और अब इसमें से वो वैल्यू हटानी है जो वाई नहीं ले सकता, तो जो बचेगा वो रेंज ही तो हो जाएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए न्यूमरेटर से तो हमें चिंता है ही नहीं, हमें बस ये बोलना है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, दैट मींस वाई वन नहीं हो सकता, तो तुम्हारी रेंज क्या हो जाएगी, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वाई इज इक्वल टू माइनस वन। इस केस में देखो पहले डोमेन के लिए देखते हैं फर्स्ट वाला केस इसका, अब उसमें क्या है रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव, तो हमने तुम्हें बताया रूट में कभी भी जीरो नहीं, जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, और क्योंकि डिनोमिनेटर है तो ग्रेटर देन डाला, तो एक्स की वैल्यू आ गई है ग्रेटर देन फाइव, मतलब हमने कहा डोमेन जो है वो हो जाएगा फाइव टू इंफिनिटी। अब इसी को हमने रेंज के लिए ऐसे लिख दिया और इसको स्क्वायर कर दिया, फिर हम इसको इधर ले गए एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 1 by y square, तो x की वैल्यू हो गई 1 by y square plus 5। अब आप देखो इस चीज को देख के बताओ, इस चीज को y क्या वैल्यू ले सकता है, y क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा 0 से इंफिनिटी में ही लाई करेगा, मिनिमम 0 हो सकता है, माइनस 1 रखो तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2 रखो तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, y की तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो इसलिए इस केस में हम कहेंगे कि y जो है वो 0 से इंफिनिटी तक रहेगा, 0 एक्सक्लूडेड। एक तरीका तो ये है करने का, दूसरा तरीका क्या है, इस फंक्शन को देखो, ठीक है, हमने बोला x की वैल्यू 5 से बड़ी है, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो y कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, y यही वैल्यूज तो ले पाएगा,
अगर 6 हुई तो 1 अपॉन 1, 2, 7 हुई तो 1 अपॉन रूट 2, 8 हुई तो 1 अपॉन रूट समथिंग, कुछ भी वैल्यू आएगी, 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, नेगेटिव तो आ नहीं सकती। चाहे आप यहां से डिराइव कर लो या आप y को x को y के टर्म्स में लिखो और बोलो भाई ये y स्क्वायर है, मतलब y तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेने वाला है, तो 0 से इन्फिनिटी दोनों ही केस में यू आंसर विल बी सेम एंड राइट। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब मेरा 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में ही है। फिर हमने क्या बताया था लीनियर इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट में कि इसमें माइनस ले लो ये ऐसे हो जाएगा, अब माइनस उस तरफ ले जाओ तो साइन बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप स्प्लिट करो एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू 0, मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए माइनस फोर और फोर और यहाँ प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो मेरी एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस फोर से फोर, ये मेरी हो गई डोमेन। ठीक है, अब देखो वाई की वैल्यू क्या है, अभी तो आप अभी वाई को एक्स के टर्म्स में लिखना छोड़ो, सीधा यहां से समझते हैं पहले, वाई इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस फोर से फोर है, तो जो इन वैल्यूज के लिए y वैल्यू क्या ले सकता है, y वैल्यू ले पाएगा 0, क्योंकि अगर यहाँ माइनस फोर या 4 रखो तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, माइनस 3 रखो तो 16 माइनस 9 वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, और 0 रखोगे तो वैल्यूज 4 हो जाएगी, तो ये 0 से 4 हो जाएगा y, बिकॉज x की वैल्यू को रख के ही आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है। ठीक है, फिर अब मानो इसको अपन दूसरा वाला तरीका से करते हैं, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर विल बी 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू विल बी रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको फिर तुम वैसे ही सॉल्व करोगे तो वाई तुम्हें आएगा माइनस फोर से फोर। ठीक है, ये वाई आएगा जब नॉर्मल तुम प्रोसेस सॉल्व करोगे, बट Here I will now introduce rule number 3. Rule number 3 says कि हमें डोमेन को भी देखना पड़ेगा, हमें फंक्शन को भी देखना पड़ेगा before deciding what is the exact range या domain. अब फंक्शन ये है, रेंज आ रही है ये, कभी भी y negative हो पाएगा क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए जो y आएगा वो माइनस फोर से आप फोर तक की वैल्यू, जीरो तक की वैल्यू इग्नोर करोगे और कहोगे जीरो से फोर है, बिकॉज ये वैल्यू ही सिर्फ जीरो से फोर ले सकता है, रूट में कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, तो y कैन नेवर बी रूट ऑफ माइनस फोर या माइनस थ्री, तो हेंस वी विल इग्नोर द नेगेटिव वैल्यूज एंड विल टेक द पॉजिटिव वैल्यूज। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कंडीशन क्या बन रही है हमारा, वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और अब आप देखो एक्स स्क्वायर है, वन हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर है मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो एनी विच वेज कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, सो मेरी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल वैल्यूज, कोई भी रियल वैल्यू ले लो चलेगा अपने को। अब अपने को रेंज निकालनी है, रेंज के लिए आप क्या करो, y को लो x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अब आप इसको इधर लेके जाओ, आप बोलोगे y प्लस y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x, फिर आप बोलोगे y एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां तक आप पहुंचे, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना होता है x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है, राइट, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है टू फाइंड आउट रेंज। अब हम क्या करेंगे, हमने ये इक्वेशन लिख दी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, डायरेक्टली तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम इसमें धराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर which is minus 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, ये मेरी आ गई x की वैल्यू। अब आप देखो इसमें दो चीजें हमें समझ में आ रही हैं, पहली चीज कि जो मेरा 1 माइनस 4y स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी चीज y कभी जीरो नहीं हो सकता,
अब यहाँ पे क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी रख दो, ठीक। अब मेरी यहाँ पे जब ये उस तरफ चला जाएगा नेगेटिव, तो साइन पलट जाएगा। हमने नंबर लाइन सीखा था, 1/2 माइनस का, 1/2 प्लस का, प्लस नेगेटिव प्लस, और लेस देन है मतलब ये वाला रीजन लेना है, राइट। तो मेरा वाई विल कम आउट बिलोंगिंग टू माइनस 1/2 टू 1/2, बट जीरो नहीं हो सकता, और इसके बीच में तो जीरो आता है, इसलिए हम एक अलग से जीरो को माइनस कर देंगे। ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए पहली चीज क्या लगाएंगे कि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर जो, सॉरी ये टू लिखा है, टू माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, टू माइनस एक्स स्क्वायर टू इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस रूट टू इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, ऑल रियल नंबर माइनस रूट टू कॉमा रूट टू, ठीक है, डोमेन हो गया, क्लियर है। अब रेंज निकालना है, वाई इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ले जाओ 2y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो हम लिख सकते हैं 2y माइनस 3 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर, और 2y माइनस 3/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रूट ऑफ 2y माइनस 3/√y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखो, ये होने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अब सीधा सीधा बोलना है कि ये तब कंडीशन होगी जब 2y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने बोला ये पूरी चीज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बट y जीरो नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहाँ पे ये जीरो को हटा दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। अब देखो इस केस में क्या होता था, लीनियर इनइक्वालिटी का सवाल बन जाता है, y जीरो और 3/2 और प्लस माइनस प्लस। अब हम क्या कह सकते हैं, जो मेरा y कौन सी वैल्यू ले सकता है, y विल बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। तो अगर ये वैल्यूज मैं लूंगा, और देखो 3/2 पे स्क्वायर ब्रैकेट, या चलो आप यहाँ पे इक्वल टू लगा के रखो, बट यहाँ जब जीरो लिखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट मत मानना, क्योंकि अगर y की वैल्यू जीरो हो गई तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, y जीरो नहीं ले सकता, न्यूमरेटर में जीरो ले लेगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ले सकता, इसीलिए मैं इसको ओपन ब्रैकेट रखूंगा, यूनियन 3/2 से इंफिनिटी, 3/2 ले सकता है y, बिकॉज ऊपर जीरो हो जाएगा, 0/3/2 इज जीरो विच इज फाइन, तो रेंज आ जाएगी ये सारी वैल्यूज। अब सिक्स्थ वाले में डिनोमिनेटर जो है, पहले मैं डोमेन की बात करता हूं, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट नहीं है तो अपन मोर देन लेस देन नहीं करेंगे, रूट होगा सिर्फ तब हम कहते हैं कि उसके अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, रूट नहीं है तो सीधा सीधा बोलना है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब मैं कह सकता हूँ x square should not be equal to 1, मतलब x should not be equal to plus minus 1, तो डोमेन हो जाएगी रेंज एनी रियल वैल्यू माइनस माइनस 1 एंड 1। अब रेंज के लिए क्या करो, y is equal to ये लिखो, आप यहाँ पे लिख सकते हो y माइनस y x square is equal to 1, फिर आप लिख सकते हो y माइनस 1 अपॉन y is equal to x square, रूट आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू x रूट में। अब हम बोलेंगे क्योंकि रूट है तो हम कहेंगे ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या करते हैं, जब दो ऊपर नीचे दोनों फंक्शन आ जाते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, y माइनस 1 को 0 करा, y को 0 करा, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0, यहाँ डाला 0, यहाँ डाला 1, और प्लस माइनस प्लस लिख दिया एक्सट्रीम राइट से। ग्रेटर देन जीरो है मतलब मेरा वाई की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम इसमें ओपन ब्रैकेट रखेंगे, और वन इंक्लूड हो सकता है क्योंकि वन होने पे 0/1 होगा विच इज जीरो विच इज फाइन, तो वन से इंफिनिटी तक ऐसे।
इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ये आपको पता है। देखो इस केस में आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, तो इसको ध्यान से करना ही आएगा। अब साइन ऑफ 3x जो है वो वैल्यू कहां से कहां तक ले सकता है? वो वैल्यू ले सकता है माइनस वन से वन तक। भाई साइन कोई भी फंक्शन हो साइन का, हमें पता है वो तो माइनस वन से वन के बीच में ही वेरी कर रहा होता है, उसके आगे पीछे तो जा ही नहीं सकता। तो साइन 3x इज ऑलवेज बिटवीन माइनस वन टू वन। और अब क्या करो, यहाँ पे नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं वन, जब इसको माइनस वन से करा तो ये हो जाएगा वन, फिर यहाँ साइन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं साइन रिवर्स हो जाते हैं। इज ग्रेटर देन माइनस साइन 3x इज ग्रेटर देन माइनस वन। अब पूरी इक्वेशन में टू ऐड कर लो, ठीक है। अब आप बताओ ये जो चीज है 2 माइनस साइन 3x जो है, उसकी तो वैल्यू जो है वो 1 से 3 के बीच में वैरी कर रही है, तो मतलब ये कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता। x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये चीज इसकी वैल्यू ही अगर 1 से 3 के बीच में है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और हमें क्या देखना होता है डोमेन के लिए कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, 2 माइनस साइन 3x शुड नेवर बी जीरो। तो क्योंकि ये नेवर जीरो आ रहा है तो x जो है मेरा वो आ जाएगा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकता है। दूसरे तरीके से अगर सोचना है तो आप बताओ साइन 3x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाए होनी है, और 2 माइनस साइन 3x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, विल ऑलवेज बी नॉट इक्वल टू जीरो। लेट मी पुट इट दिस वे, तो अगर ये 2 माइनस, क्योंकि मैक्सिमम ये 1 हो सकता है, 2 माइनस 1 इज 1, और मिनिमम माइनस 1 हो सकता है, 2 माइनस और माइनस 1 इज 3, तो ये वैल्यू जो है वो कभी भी 0 के इक्वल तो आनी नहीं है, सो x कैन बी एनी रियल नंबर। अब रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है, ये सब तुमने कर दिया, अब फंक्शन क्या है 1/2 - 3x, तो इसको इनवर्स कर लो। जब इनवर्स करते हो तो साइन फिर बदल जाता है और ये ऐसे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है माइनस वन, 1/3 से 1 के बीच में, और वही तो रेंज है, क्योंकि रेंज क्या है, रेंज तो जो ये फंक्शन वैल्यू ले सकता है, विच इज वाई इज माय रेंज। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 1/3 से 1, ठीक है, समझा। नाउ वी विल स्विच टू वेरियस ग्राफ्स, और फ्रॉम एप्लीकेशन परस्पेक्टिव, सारे ग्राफ्स का यूजेज नहीं है, पता होने चाहिए ग्राफ ऐसे ऐसे बनते हैं, बट एक दो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ग्राफ में जो क्लियर होनी चाहिए टू गेट द आंसर्स फॉर डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे मॉड समझना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आना चाहिए, तो वो मैं आपको ग्राफिकली फटाफट समझा देता हूँ। ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स का, आप अपनी नोटबुक में फटाफट क्रिएट भी कर सकते हो। वाई इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है, सीधा सीधा, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, आप फटाफट बना लो। फिर ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू मॉड x का, इसका कैसे ये ग्राफ पे आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आप देखो y इज इक्वल टू मॉड x है, जब x ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू x आएगी, जब x लेस देन जीरो है तो वैल्यू नेगेटिव x आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब मानो मेरा वैल्यू 1x की, तो y की वैल्यू 1 हो रही है, जब वैल्यू 2 है y की वैल्यू 2 हो रही है, जब वैल्यू 3 है y की वैल्यू 3 हो रही है, जब वैल्यू माइनस 1 है y की वैल्यू 1 हो रही है, क्योंकि y तो मॉड x है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। जब माइनस 2 है y की वैल्यू फिर प्लस 2 हो रही है, जब माइनस 3 है y की वैल्यू फिर प्लस 3 हो रही है, बिकॉज वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो ग्राफ मेरा मॉड का ऐसा बनता है, y is equal to mod x का ग्राफ ऐसा बनता है, ये आप लोग एक बार बना लो। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक चीज होती है y is equal to, इससे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं x को, इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब होता है वैल्यू कुछ भी हो x की, जैसे 1.023 हो, हम लोग जो भी इंटीजर है पॉइंट के आगे जो लिखा है वो वैल्यू मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो मैं बोलूं अगर 0.023 है तो भी ये जीरो है, 0.96 है तो भी ये जीरो है,
0.57 है तो भी ये जीरो है, और जैसे ही ये 1.01 हो जाएगा ये वैल्यू बदल के 1 हो जाएगी, मतलब 1 के ऊपर 1.01 भी होगा, बहुत सारे जीरो फिर 1 तो भी वो 1 हो जाएगा, 1.59 will be 1, 1.735 will be 1, 1.925 will be also 1. तो ग्राफिकली कैसे आएगा, 0 से 1 तक ये वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी, y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, x की वैल्यू 0 से 1 तक y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और एट 1 वो चेंज होगी और 1 हो जाएगी, फिर 1 से 2 तक वो 1 रहेगी, एट 2 वो चेंज होगी और 2 हो जाएगी, फिर 2 से लेके 3 तक वो 3 रहेगी, और ऐसे ही जब नेगेटिव जाओगे तो ऐसे आ जाएगा। ये y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, इसके कुछ क्वेश्चन हैं तो ये समझ में जरूरी आना चाहिए, आप लोग बताओ आया कि नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वो होता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन इज मॉड x बाय x, इसमें क्या होता है अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब मानो 2 है 5 है 100 है, तो क्या हो जाएगा 100 बाय 100 1, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मॉड x तो पॉजिटिव हो जाएगा बट नीचे नेगेटिव x होगा तो वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो मानो माइनस 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ माइनस 2 विच इज 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 1, माइनस 5 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, मॉड ऑफ माइनस 5 विच इज 5 अपॉन माइनस 5 विच इज माइनस 1, और एट 0 वो 0 होता है। तो सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ होता है, अगेन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है, फटाफट इसको बना लो, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये फंक्शन लिख लो और ये ग्राफ बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, कभी कभी हमें दो फंक्शन दे रखे होंगे और हमें उन दोनों फंक्शन के लिए निकालना होगा डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ एफ एन जी बी रियल फंक्शन डिफाइंड दे रखे हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी में दोनों को प्लस कर लिया, एफ माइनस जी दोनों फंक्शन को माइनस कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं, जो आते हैं अब अपन उन टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब अभी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल करेक्ट, नल सेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हमने बोला जो मेरा मॉड एक्स है, अब मॉड एक्स में क्या होता है, हम लोग कहते हैं अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, और एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो क्या होगा। ये जो फंक्शन इन इटसेल्फ है एक्स माइनस मॉड एक्स, जब मेरी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये फंक्शन मेरा बन के आ जाएगा एक्स माइनस एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, और जब मेरी फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो है तो यहाँ पे मेरा फंक्शन एक्स की वैल्यू बन जाएगी एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो ये फंक्शन आ जाएगा टू एक्स, राइट। अब मुझे ये बताओ कि जब मेरा ग्रेटर देन जीरो एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो ये जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, और जब मेरी वैल्यू नेगेटिव में, एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है तो ये टू एक्स हो रहा है, बट एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है तो ये पूरी चीज भी नेगेटिव हो जाएगी और रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में जो मेरा डोमेन है वो नल सेट आएगा, हो ही नहीं सकता उसका डोमेन, बिकॉज जब भी ये नेगेटिव में जाएगा, जब इक्वल टू है ग्रेटर देन जीरो है तो वो जीरो होके नॉट पॉसिबल है, नॉट डिफाइंड है फंक्शन, जब लेस देन जीरो है तो वो रूट में नेगेटिव हो रहा है तब भी वो कोई रियल वैल्यूज नहीं ले सकता, तो इन बोथ द केस वो कोई वैल्यू रियल ले ही नहीं पा रहा, तो उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, नल सेट, नल कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फंक्शन क्या बोल रहा है तुम्हें, x प्लस मॉड x, तो अब जब x ग्रेटर देन जीरो है तो क्या मिल जाएगा, x प्लस x टू x, और जब x लेस देन जीरो है तो मिलेगा तुम्हें x माइनस x विच इज जीरो। तो लेस देन जीरो के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है बट ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन डिफाइंड है, 1 अपॉन पॉजिटिव 2x में कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, तो x की डोमेन मेरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जीरो से लेके इंफिनिटी तक, और जीरो नहीं हो सकती क्योंकि जीरो पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, वन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट में जीरो से इंफिनिटी लेंगे,
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम वो देखें, ये अपन ने सेकंड करा, अब अपन थर्ड की बात कर रहे हैं, उसमें हमें दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है, x माइनस ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में क्या होगा कि मेरा जब भी वैल्यू, ये जो वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाए करेगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू ले लो, 1.23 ले लो, वो क्या हो जाएगा 1.23 माइनस 1, फिर वैल्यू ले लो 2.56 हो जाएगा 2.56 माइनस 2, 3.195 ले लो 3.195 माइनस 3, तो ये जो सारी वैल्यूज होंगी एक्चुअली में रियल नंबर में से अगर इंटीजर्स माइनस कर दो, रियल नंबर में इंटीजर z माइनस कर दो तो जो बचेगा वो, हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने, अब दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो वैल्यूज है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो ग्रेटर देन वाला कंडीशन लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय डूइंग मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, अब मेरे दो फैक्टर आ गए, ये और ये, ठीक है, इसका मतलब अब एक हो जाएगा मेरा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये इसको मैं अब लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, इज ग्रेटर देन 3 आ गया। अब ग्रेटर देन 3 है अगर, राइट, तो ये चालू कहां से होगा, x की वैल्यू कहां से चालू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 3 से बड़ा है, नेक्स्ट क्या होगा 4, राइट, तो जो मेरी वैल्यूज है अगर 3 से बड़ा है और 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां से यहां तक वाली जो वैल्यूज है उसमें सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 3 हो जाएगा और वो तो इंक्लूडेड है नहीं, तो मेरी x की वैल्यू विल कम फ्रॉम 4 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 3 से बड़ी है x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 से बड़ा है, x कहां होना चाहिए, 3 से 4 तक x की वैल्यू कुछ भी हो, मानो 3.999 भी हो, तो वैल्यू 3 हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो एक्सक्लूडेड है, वो तो 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ी वैल्यू होने के लिए x की वैल्यू 4 से इंफिनिटी होनी चाहिए, 4 इंक्लूडेड। और इसका दूसरा फैक्टर क्या आएगा, मॉड x इज ग्रेटर देन माइनस 2, राइट, मॉड x इज ग्रेटर देन माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं तो हम कैसे लिखेंगे, अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3, एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन चाहिए, तो एक तो ये वाला रीजन हो गया विच इज दिस, ग्रेटर देन हमने 3 करा तो यहाँ x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी आ गया, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू लेस देन 2 रहेगी, लेस देन माइनस 2 रहेगी, राइट, तो अब इसकी माइनस 2 से कम वैल्यू है तो मेरी x की वैल्यू फॉर दीज वैल्यूज विल बिकम माइनस 2 से, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, और माइनस 2 जो है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट, तो उससे कम वाली सारी वैल्यूज के लिए वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी, तो मेरा डोमेन आ जाएगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। इसको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, और कोई डाउट है तो पूछो, ये आना है पेपर में।